तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं टाटा इंट्रा V30 के बारे में, बड़ा दोस्त प्लस के बारे में। यहाँ पे आज मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा 10 ऐसे पॉइंट्स के साथ कि आपको टाटा इंट्रा V30 लेना चाहिए या फिर बड़ा दोस्त प्लस लेना चाहिए। ऐसे देखने और लुक के बारे में बात करूं दोस्तों, तो V30 जो है टाटा इंट्रा का, ये देखने में थोड़ा अच्छा दिखता है। जबकि अगर मजबूती की बात करें तो जो मार्केट से मुझे फीडबैक मिला है उसके हिसाब से बड़ा दोस्त प्लस मजबूती के मामले में, स्ट्रांग के मामले में वो ज्यादा मजबूत है। तो एक तो ये सबसे बड़ा जो है फर्क दिखता है देखने और मजबूती के बारे में। बट जहां तक मैं बात करूं, टाटा इंट्रा V30 जो है मार्केट में अपना एक अच्छा बड़ा पहचान बनाया है। इससे पहले भी इसके 2 सीरीज आ चुके हैं टाटा इंट्रा के, तो वहीं पे हम देखते हैं दोस्त का, तो दोस्त के भी बड़ा दोस्त जो है वो उसके भी अलग अलग वेरिएंट मार्केट में आ चुके हैं, और दोस्त प्लस जो है उसी का एक वेरिएंट है। तो यहाँ पे मैं 10 पॉइंट्स के साथ आपको बताऊंगा कि ये 10 पॉइंट में आपको V30 लेना चाहिए या फिर बड़ा दोस्त प्लस लेना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो 10 पॉइंट, इसमें से कुछ पॉइंट है जैसे मैं कंपेयर करूंगा इंजन को, उसके पावर को, पेलोड, बॉडी साइज, एसी है या नहीं है, टॉर्क, ग्रॉस वेट, व्हील बेस, सिलेंडर स्पीड, फ्यूल टैंक, वारंटी और इसके साथ ही प्राइस। तो ऐसे कुछ 10 पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूं जो कि आज मैं यहां पे कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों सबसे पहले वाले पॉइंट पे, जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा कि टाटा इंट्रा V30 या फिर बड़ा दोस्त में कौन बेटर है। तो यहां पे मैं लेता हूं 2 पॉइंट, उसमें है इंजन और पावर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं V30 का, तो इसमें लगा हुआ 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज का इंजन जो कि देता है 80 हॉर्स पावर 3300 RPM पे। वही पे हम बात करते हैं बड़ा दोस्त का, तो बड़ा दोस्त में दोस्तों लगा हुआ 1.5 DI इंजन जो कि देता है 70 हॉर्स पावर 4000 RPM पे। वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों टॉर्क का, तो ये उत्पन्न करता है, इंट्रा की मैं बात करता हूं तो 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि बड़ा दोस्त की बात करते हैं तो 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों बॉडी साइज और पेलोड का, तो इसमें मैं बात करूं पेलोड के बारे में, तो इसमें आपको इंट्रा में मिलता है 1500 kg का पेलोड, और वहीं पे इसके बॉडी साइज की मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 8.7x5.3 feet का बॉडी साइज। और बात करते हैं बड़ा दोस्त का, तो बड़ा दोस्त आपको मिल जाता है दोस्तों 1300 kg का पेलोड। और बात करते हैं इसके लंबाई और चौड़ाई की, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ये बड़ा है लंबाई के मामले में, और यहाँ पे आपको मिलता है 8.8 का लंबा डेक, और चौड़ाई की बात करें तो ये है 5.3 feet का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेंडर और स्पीड का, तो दोस्तों इंट्रा में लगा हुआ है 4 सिलेंडर जो देता है आपको 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। और वहीं पे हम बात करते हैं बड़ा दोस्त का, तो इसमें लगा हुआ है दोस्तों 3 सिलेंडर जो देता है आपको 80 किलोमीटर का पर आवर स्पीड। बात करते हैं दोस्तों ग्रॉस वेट और व्हील बेस का, इंट्रा में दोस्तों आपको मिलता है 2565 kg का ग्रॉस वेट, और व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 2450 mm का व्हील बेस। और वहीं पर हम बड़ा दोस्त की बात करें तो बड़ा दोस्त का ग्रॉस वेट थोड़ा बढ़ जाता है, और यहाँ पे आपको मिलता है 2805 kg का GVW और 2510 mm का व्हील बेस। आप यहीं पे देख सकते हो, जब हम बात करते हैं पेलोड का और ग्रॉस वेट का, तो पेलोड जो है दोस्तों बड़ा दोस्त का थोड़ा कम है जबकि इंट्रा का ज्यादा है। बट हम देखते हैं ग्रॉस वेट, तो ग्रॉस वेट यहाँ पे आपको बड़ा दोस्त का ज्यादा मिलता है जबकि इंट्रा का कम मिलता है। इसी से पता चलता है कि बड़ा दोस्त जो है, बड़ा दोस्त प्लस जो है वो अपने साइज में इंट्रा से थोड़ा ज्यादा मजबूत है। हम बात करते हैं दोस्तों फ्यूल टैंक और एसी का, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ट्रक वाले जो है अपने ट्रकों में एसी लगाना पसंद करते हैं। एसी ऐसे दोनों में मैं बात करूं तो ऑप्शनल है, फिक्स किया हुआ नहीं, आप चाहे तो लगा के ले सकते हैं, चाहे तो बिना लगाए भी ले सकते हैं। बट हम बात करते हैं फ्यूल टैंक का, तो इसमें इंट्रा में आपको मिल जाता है 35 लीटर का फ्यूल टैंक, जबकि आपको
बड़ा दोस्त प्लस में मिल जाता है 40 लीटर का फ्यूल टैंक। दोनों तो BS6 का इंजन है, दोनों में BS6 का इंजन लगा हुआ है। जबकि ट्रांसमिशन की बात करो तो दोनों जो है मैनुअल है। अब बात करते हैं दोस्तों वारंटी और प्राइस की। तो वारंटी दोस्तों आपको इंट्रा पे मिल जाता है 2 साल का, नहीं तो फिर आपको मिलता है 72,000 किलोमीटर का, जहां पे कि आपको रेट मिलता है एक शोरूम प्राइस 7.50 लाख। और वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों बड़ा दोस्त प्लस का, तो ये आपको देता है 3 साल का वारंटी 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी, 1.5 लाख तक में। और इसका हम बात करते हैं रेट का, तो ये आपको आ जाता है दोस्तों लगभग 5.9 लाख में। तो इससे आपको दोस्तों पता चल जाता है कि दोनों में से कौन सा ट्रक जो है बेटर है, कौन सा ट्रक आपको लेना चाहिए चलाने के लिए। बात करते हैं दोस्तों इसमें बिजनेस आप क्या चीज का कर सकते हैं। तो बिजनेस में जनरली हमेशा बताता हूँ, आज भी मैं बताऊंगा कि इसमें बिजनेस क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप रिटेल शॉप के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लोकल मार्केट के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप इंडस्ट्रियल गुड्स, रिटेल प्रोडक्ट, सब्जी, दूध, ये सब के सब आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स, फार्मास्यूटिकल, बालू, गिट्टी, पत्थर, इसके बाद इसमें सीमेंट तक को भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसके माइलेज की मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको मिल जाता है 17 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जहां पर मैं डीजल के बारे में बात कर रहा हूँ, डीजल का ये माइलेज आपको मिलेगा। और 17 से लेकर 20 जो है ये कोई खराब माइलेज नहीं है इस छोटे ट्रक के लिए। तो दोस्तों अब आपको इसमें से चूज करना है कि ये दोनों में से आपको कौन सा ट्रक लेना है और कौन सा ट्रक लेकर के मार्केट में चलाना है, कहां कहां चलाना है ये भी आपको ही डिसाइड करना है। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मिलते अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए कंपेयर और कुछ नए इंजन्स के डिटेल लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।